आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। राजपुरा चौकी प्रभारी निलंबित, भदोही कोतवाल लाइन हाजिर। भदोही थाना अंतर्गत चौकी प्रभारी राजपुरा उप निरीक्षक अविनाश प्रकाश राय को दुष्कर्म मामले में वायरल वीडियो की जांच में लापरवाही बरतने के आरोप में मंगलवार को निलंबित कर दिया गया। डीआईजी आरके भारद्वाज ने पूरे मामले की जांच दूसरे जनपद के अधिकारी से कराने का निर्देश दिया है। अक्टूबर महीने में भदोही थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली 14 वर्षीय किशोरी के साथ एक निजी चिकित्सालय के संचालक शैलेंद्र चौहान ने दुष्कर्म किया था। इसका वीडियो बनाकर किसी ने वायरल कर दिया। इसकी जानकारी होने पर पीड़िता के स्वजनों ने आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भदोही थाने में तहरीर दी थी, लेकिन वहां तैनात उप निरीक्षक अविनाश राय ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने वायरल वीडियो की जांच किए बगैर ही आरोपितों के विरुद्ध छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कर मामले को रफा दफा कर दिया। इसकी शिकायत मिलने पर डीआईजी आरके भारद्वाज ने स्वतः संज्ञान लेकर आरोपितों के विरुद्ध दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत मामला पंजीकृत कराया। उन्होंने मामले की जाँच सीओ सदर से कराई। सीओ सदर ने जांच में पाया कि उप निरीक्षक अविनाश प्रकाश राय ने वायरल वीडियो की जांच में घोर लापरवाही बरती। यही नहीं, तहरीर के आधार पर आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज नहीं किया। इसकी जानकारी होने के बावजूद कोतवाल अंजनी कुमार राय ने भी हस्तक्षेप नहीं किया। इससे लगता है कि इनके द्वारा मामले को दबाने का प्रयास किया गया। जाँच रिपोर्ट मिलते ही डीआईजी ने उप निरीक्षक अविनाश राय को कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया, जबकि कोतवाल अंजनी कुमार राय को लाइन हाजिर कर दिया। इस मामले में जांच मिर्जापुर जनपद के किसी अधिकारी से कराकर कार्यवाही करने का निर्देश दिया। चिकित्सालय कर्मियों पर गिर सकती है गाज। दुष्कर्म मामले में मेडिकल रिपोर्ट में गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर डीआईजी ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने पूरे मामले की जांच सीओ भदोही से कराने के निर्देश दिए हैं। कहा कि जांच में चिकित्सालय कर्मी मेडिकल रिपोर्ट में गड़बड़ी करते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जाएगा। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।